नमस्कार, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाए हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव से संबंधित विड्रॉल के बाद एक फाइनल लिस्ट आ चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने एक फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, अभी कुछ क्षण पहले ये लिस्ट जारी हुई है। और जो नॉमिनेशन, जो फाइनल नाम आए हैं, बिल्कुल हमारी उम्मीदों के मुताबिक आए हैं। खेल मंत्रालय अपना खेल खेलने में कामयाब रहा है, आधी कामयाबी तो मिल ही चुकी है। फाइनल तो तभी कहेंगे जब तक चुनाव हो नहीं जाते। तो खेल मंत्रालय के जो हमने बताया था बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट सपोर्टेड जो थे वो एक लिस्ट थी, एक जो पुराना ग्रुप था इसमें इन्वॉल्व था, जो पहले स्कूल गेम फेडरेशन पर काबिज था इतने सालों से वो था, और कुछ अन्य लोग थे जो इंडिपेंडेंटली इस चुनाव में शिरकत कर रहे थे, जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे पोजीशंस पे, डिफरेंट पोजीशन पे। तो हमारे मुताबिक सरकारी प्रेशर के बाद विड्रॉल भी हुए हैं। और दिलचस्प मामला जो है वो प्रेसिडेंट पे इलेक्शन होगा और सेक्रेटरी जनरल अनअपोज आए हैं, जो मेन दो पोजीशन थी जिन पे सबसे बड़ा एक खतरा मंडरा रहा था। उसमें जो अधिकारी सरकार की तरफ से SGFI संभालने में लगे हुए थे वो इसमें कामयाब रहे हैं। हम आपको पूरी अभी जानकारी देते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे भी हम आपको इलेक्शन की जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली हमने जैसे आपको इंडियन ओलंपिक के चुनाव की पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई थी, कोशिश करेंगे उसी तरह से हम स्कूल गेम फेडरेशन के चुनाव की भी जानकारी हम पूरी वीडियो आप तक पहुंचाएं, जिसमें पूरे चुनाव प्रक्रिया से लेकर और इलेक्शन के जो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होती है उसकी वीडियो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो नाम है फाइनल, जो प्रेजिडेंट पे दो नाम हैं इस समय जो रह गए हैं, बाकी विड्रॉल हुए हैं। विड्रॉल में मैं पहले आपको बता देता हूँ, विड्रॉल में एक अमरजीत शर्मा थे हिमाचल के, उन्होंने विड्रॉ किया नाम प्रेसिडेंट की पोजीशन से। और एल सोकुन सिंह हैं जो प्रेसिडेंट और ट्रेजरर दो जगह इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने दोनों जगह से इनका नाम जो है वो हमारी जानकारी के अनुसार रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एक व्यक्ति दो फेडरेशन में नहीं रह सकता, और सोकुन सिंह जो हैं ये ताइक्वांडो फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, तो इसलिए इनका नॉमिनेशन यहाँ से रिजेक्ट होना संभावना थी पूरी पूरी। ये काम तो वैसे स्क्रूटनी में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, और बाद में शिकायतें हुई तो शिकायत होने के बाद ये नाम शायद यहाँ से उड़ा दिया गया है। और प्रेसिडेंट के पोजीशन पे अभी जो दो नाम रह गए हैं वो दीपक कुमार जो हैं वो UP से हैं, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन के ये चीफ सेक्रेटरी हैं, IAS अधिकारी हैं। जैसे हमने पहले ही बताया था कि IAS अधिकारी लाए जाने की कोशिश कर रही है, जो अधिकारी हैं सरकारी जो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही थी, और वैसा ही हुआ बिल्कुल। पहले नाम चला था नवनीत सहगल जी का नाम चला था, नवनीत सहगल जो थे उन्होंने रिटायरमेंट है 6 महीने में, उन्होंने मना करने के बाद दीपक कुमार उत्तर प्रदेश से इनको लेके आया गया है। दूसरा नाम जो अशोक कुमार हैं राजस्थान से, हमें जो जानकारी है उसके अनुसार कोई बहुत ज़्यादा इनके पास कोई ऐसी सपोर्ट है नहीं, और दो नाम रहने की वजह से यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई कंटेस्ट नहीं दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी जो है वो दीपक कुमार जी को कुछ ऐसा खतरा नहीं है वो इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनने से, तो दीपक कुमार जी यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पे भी बिल्कुल हमारी उम्मीदों के अनुसार, हम वैसे यहाँ पे ज़्यादा नाम विड्रॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी भी इस चार नाम अभी भी इसमें बने हुए हैं जिन पे चुनाव होगा, दो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है, चार नाम हैं, तो इसमें अब विड्रॉल की कोई गुंजाइश बची नहीं है, समय निकल चुका है, 17 तारीख को चुनाव है, दो नाम इसमें रहेंगे और दो नाम जो हैं वो चुनाव प्रक्रिया में वोटिंग के बाद बाहर हो जाएंगे। गवर्नमेंट सपोर्टेड जो ऑफिसर मैं बोलूँ तो रवि कुमार गुप्ता जी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, IPS ऑफिसर हैं, आखिरी समय में इनका नाम डलवाया गया है। दूसरा नाम जो है वो मुक्तेश सिंह बदेशा हैं, मुक्तेश सिंह बदेशा विद्या भारती से हैं, ये पहले भी
स्कूल गेम फेडरेशन में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, विद्या भारती को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके पास एक्सपीरियंस भी है। मेरे को जितने जानकारी इतना मैं देख पा रहा हूँ पूरी लिस्ट में, तो शायद एक मुकेश सिंह बदेशा ऐसे शख्स हैं जो पुराना एक्सपीरियंस रखते हैं SGFI का। और तीसरा नाम है तो अशोक कुमार जी, जो हैं राजस्थान से हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दो पोस्ट पे, दो पोजीशन पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इनकी कितनी संभावना है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट पे जीतने की। चौथा नाम है भानुमूर्ति, आंध्र प्रदेश से वाइस प्रेसिडेंट के दावेदार हैं, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। हमें कम उम्मीद है, जो दो नाम हमें समझ आ रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, शायद उसमें रवि गुप्ता जो गवर्नमेंट सपोर्टेड हैं और दूसरा मुकेश सिंह बदेशा जो विद्या भारती से हैं, इनकी संभावना हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगर हम गलत नहीं हैं तो मुकेश सिंह बदेशा, इनको शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिले तो ये दो नाम वाइस प्रेसिडेंट पे निकल के आएंगे। तीसरे नंबर पे सेक्रेटरी जनरल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पोजीशन रहती है किसी भी फेडरेशन में, इस पे जो गवर्नमेंट सपोर्टेड जो कैंडिडेट हैं वो कीर्ति पवार हैं, NVS से हैं ये। और दूसरा नाम जो था वो शैलेंद्र शर्मा, CBSE से ये नाम था। शैलेंद्र शर्मा अगर चुनाव लड़ते हैं, CBSE से चुनाव लड़ते हैं, जिसपे पिछले कुछ महीनों में या कहें पिछले 2-3 साल में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, कुछ जो संगठन थे इस पे बार बार शिकायतें भी आ रही थी, जिसमें CBSE, IBSO और जो CISC, ये इन संगठनों पे, CBSE में आपको बताना चाहूँगा, CBSE वेलफेयर है ये, CBSE बोर्ड नहीं है, जो गवर्नमेंट का जो एक ऑटोनोमस बॉडी है वो अभी SGFI का पार्ट नहीं है। संभावना है कि आने वाले समय में या इस साल में CBSE इसका पार्ट बन जाए। तो ये CBSE वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पुराने ग्रुप में जो लोग थे वो ये 2-3 संगठन चला रहे थे। तो इन्होंने इलेक्शन से विड्रॉ किया, जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन से विड्रॉ कर लिया है, और कीर्ति पवार NVS से जो जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पे अनअपोज आ चुकी हैं। हमारी जानकारी के अनुसार कीर्ति पवार को शायद स्पोर्ट्स अथॉरिटी में ले जाया जाएगा, और जो SGFI का शायद ऑफिस है वो भी शायद समझिए कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के कार्यालय से ही चलेगा। अगला नाम है ट्रेजरर की पोजीशन पे 3 लोग थे, गवर्नमेंट सपोर्टेड, विस्मय व्यास गुजरात से ट्रेजरर के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, राजेंद्र सिंह हरियाणा के जो हैं वो ट्रेजरर की पोजीशन पे हैं, वो बने हुए हैं, और जो एल सोकुन सिंह, हमने आपको पहले बताया कि ये इनका नाम ऑलरेडी वहाँ से निकाल दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अभी ट्रेजरर की पोजीशन में जो है वो चुनाव विस्मय व्यास गुजरात और राजेंद्र सिंह हरियाणा, इन दो के बीच ये इलेक्शन होगा। 7 नाम जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पे थे, जिसमें से नुजत गुल जो गवर्नमेंट सपोर्टेड है ये विड्रॉल हो चुका है जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन से। पाईमोंग मोक ये भी विड्रॉल हो चुका है, और अनिल कुमार मिश्रा जो हैं ये जॉइंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी दोनों के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ये भी विड्रॉ कर चुके हैं। तो अभी जो फाइनल नाम जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पे, 2 पोस्ट हैं जॉइंट सेक्रेटरी की जिसपे 4 लोग हैं, अमरजोत सिंह पंजाब से, धीरेन्द्र सिंह झारखंड से, अमरजीत शर्मा हिमाचल से, और निवेंद्र दास जो हैं आसाम से, ये 4 लोग इलेक्शन लड़ेंगे जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पे। एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे भी सबसे ज़्यादा नाम थे, 9 नाम थे, जिसमें से विड्रॉल हुए हैं वो विस्मय व्यास गुजरात के हैं, उनका विड्रॉल हुआ है क्योंकि वो ट्रेजरर बन गए हैं। नुजत गुल जो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भी लड़ रही थी और इलेक्शन कमीशन ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए चुनाव लड़ रही थी, इनका भी विड्रॉल हो गया है। और जो बचे हुए नाम हैं वो भगवती सिंह उत्तर प्रदेश से, अनिल कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ से, हरीश शंकर केरल से, विजय दत्ता ये IPSC से हैं, मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल हैं, नागा रतिनम तमिलनाडु से, पाईमोंग मोक त्रिपुरा से हैं, और NR मुरली KVS से। ये नाम जो हैं फाइनल लिस्ट है, जो 17 तारीख को चुनाव में इनके लिए वोटिंग होगी। इसमें सिर्फ एक नाम जो है वो अनअपोज है, जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पे कीर्ति पवार NVS से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट था प्रेजिडेंट के बाद, जो दूसरा इम्पोर्टेंट नाम था वो कीर्ति पवार NVS से था। तो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से
जो खेल खेलना था वो खेल ऑलमोस्ट हो गया। जो इंडियन ओलंपिक में जैसा आपने देखा ऑलमोस्ट वैसा ही यहाँ भी होने जा रहा है। 17 तारीख को फाइनल अनाउंसमेंट होगी। अब जो स्कूल गेम फेडरेशन है वो भी इंडियन ओलंपिक की तर्ज पे सरकार की तरफ से चलाई जाएगी। कार्यालय स्पोर्ट्स अथॉरिटी में ट्रांसफ़र होने की संभावना है, जो अभी SGFI का कार्यालय आगरा में है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आप इलेक्शन में आपने देख लिया, और इससे बड़ा बदलाव जो है वो पूरी संभावना, हम फिर से कह रहे हैं कि जो खेल इसमें जिस तरीके से नए खेल जोड़े जाते थे, बड़ी लिस्ट ऐड हुई पिछले दिनों में, आपने देखा हर साल 5, 10, 15 नाम जो ऐड हो रहे थे, वो नाम नए गेम जो हैं वो ऐड होने तो बंद होंगे ही, बल्कि जो पुराने खेल हैं उन पे भी तलवार लटकने की पूरी आशंका है। और आप समझे कि इसमें शायद खेल मंत्रालय से जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट हैं उनको छोड़ के बाकी गेम यहाँ से हो सकता है निकाल दिए जाएँ। हम एक कैलकुलेशन या एक जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी जो हो सकती है, जो उनकी सोच है, हम उस पर बात कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन तो ऑब्वियसली है कि जो नया बोर्ड आएगा, जो नए पदाधिकारी आएंगे, मीटिंग करेंगे, वो फाइनल इस पर डिसीजन लेंगे। बट एक जो लाइन ऑफ एक्शन जो गवर्नमेंट की जो दिखाई दे रही है, उसमें ये पूरी संभावना है कि इसमें बहुत सारे खेल जो हैं वो उड़ जाएं। तो हम आपको एक SGFI पे जो अगला अपडेट है, कोशिश करेंगे हम वहाँ से आपको हो सका तो लाइव, अगर हमें नेटवर्क मिला, अदरवाइज़ हम आपको इलेक्शन की वहाँ की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, वो जो चुनाव स्थल है, जो इलेक्शन जहाँ पे होने वाला है, वोटिंग होने वाली है, अनाउंसमेंट होने वाली है, और उमेश सिन्हा जी जो इंडियन ओलंपिक के रिटर्निंग ऑफिसर थे, यहाँ भी रिटर्निंग ऑफिसर वही हैं, तो वो फाइनल घोषणा करेंगे। तो वहाँ से हम आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी, कोशिश करेंगे कि उसी दिन 17 तारीख को जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी और इस तरह की इन्फॉर्मेशन SGFI, CBSE या दूसरे इंडियन ओलंपिक, यूनिवर्सिटी गेम्स और इनसे संबंधित दूसरे खेलों की जानकारी अगर आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी शेयर कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से, किस तरीके की इंफॉर्मेशन, किस तरह की खबरें आप तक आप चाहते हैं कि हम पहुंचाएं। आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।